रामायण की कहानी, भगवान राम की बहन शांता की कहानी। दोस्तों, हमने हमेशा सुना है कि राम जी के तीन भाई थे, यानी कि राम जी को मिला के कुल चार भाई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि राम जी की एक बहन भी थी जिसका नाम था शांता। दोस्तों, अगर आप भी ये सुनकर चौंक गए हैं तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि राम जी की एक बहन भी थी और उसका नाम था शांता। अयोध्या के राजा दशरथ की तीन पत्नियों और उनसे होने वाले चार पुत्रों यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम की बड़ी बहन के बारे में हर किसी को नहीं पता। वाल्मीकि रामायण में भी राम की बहन शांता के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दक्षिण पुराण में भगवान राम की बहन शांता का इतिहास जरूर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान राम की बड़ी बहन शांता का सच यह है कि शांता राम की बड़ी बहन और माता कौशल्या की बेटी थी। वे बहुत ही सुंदर और हर कार्य में निपुण थी। शास्त्र से लेकर पाक कला तक में एकदम पारंगत थी। वही रानी कौशल्या की बहन थी रानी वरणी, जिसका विवाह अंग देश के राजा रोमपद के साथ हुआ था। दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्हीं कारणों से उनकी कोई भी संतान न हो सकी। एक दिन वरणी राजा रोमपद के साथ कौशल्या से मिलने अयोध्या आई। जब सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी वर्षिणी ने दर्शन की पुत्री शांता की शालीनता और कार्य कुशलता से मोहित होकर अपनी एक इच्छा प्रकट की। वर्षिणी ने कहा, वैसे तो मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं शांता की तरह ही मेरी भी एक पुत्री हो। वर्षिणी की इस बात पर राजा दशरथ उन्हें शांता को गोद देने का वचन कर देते हैं। इस प्रकार राजकुमारी शांता अंग देश के राजा रोमपद की पुत्री बन जाती है। एक दिन राजा रोमपद किसी काम से इतना खोए रहते हैं कि उनकी चौखट पर आए ब्राह्मण की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती। फलस्वरूप ब्राह्मण को खाली हाथ वापस लौटाना पड़ता है। देवराज इंद्र को राजा रोमपद द्वारा किया गया ब्राह्मण का ये अपमान जरा भी रास नहीं आता। वह अंग देश में वर्षा ना करने का निश्चय कर लेते हैं। ऐसे में बिना वर्षा अंग देश में सूखा पड़ जाता है। इस वजह से अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। इस समस्या से उबरने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रंग के पास जाते हैं और उनसे इस समस्या का समाधान और उपाय पूछते हैं। श्री ऋषि राजा को यज्ञ कराने की सलाह देते हैं, जिससे रूठे इंद्रदेव को मनाया जा सके। राजा रोमपद ऐसा ही करते हैं और यज्ञ के बाद अंग देश में पुनः वर्षा होती है। इससे अंग देश में आई समस्या का अंत होता है। ऋषि श्रंग से प्रसन्न होकर राजा रोमपद उनसे अपनी पुत्री शांता का विवाह करा देते हैं। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, इसके लिए वे बहुत ही चिंतित रहते हैं। इसी कारण वे ऋषि श्रंग के पास जाते हैं। ऋषि श्रंग उन्हें कामाक्षी यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। ऋषि के कहे अनुसार राजा दशरथ कामाक्षी यज्ञ संपन्न कराते हैं और प्रसाद के रूप में खीर बनवाते हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद जो खीर का प्रसाद था, उसे राजा दशरथ अपनी तीनों पत्नियां यानी कौशल्या, सुमित्रा और केकई ग्रहण करती हैं। कामाक्षी यज्ञ के प्रताप से रानी कौशल्या को पुत्र के रूप में राम, केकई को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति होती है। चारों पुत्रों को अपनी बहन शांता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। समय के साथ साथ धीरे धीरे राम को अपनी माता के दुख का पता चलता है। साथ ही भगवान राम की बहन शांता के जीवन का सच, जो कोई नहीं जानता था, राम को मालूम हो जाता है कि बहन शांता के बारे में जानने के बाद राम अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं और सभी पुराने मतभेदों को दूर कर एक साथ रहने का वचन देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको भी इस कहानी सुनकर जरूर मजा आया होगा और एक खुशी मिली होगी। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।